विजु एक्सप्रेस वे जमी बिकी देले दलाल चंचकता करी जमी बिक्री करा जाइथवार अभिजोग झारसुगुड़ा सहरांचल दे जाइथवा विजु एक्सप्रेस वे रो किछि अंश को केतेक जमी माफिया जालियाती करी बिक्री करथिबार अभिजोग बिक्री होइथवा जमीर मापचुप पई जाइथवा केतेक घरोई अमीन एहा जानिपारी झारसुगुड़ा तहसीलदार को जणाइथरे मध्य कार्यानुष्ठान छु ए बेआईन कार्य रे पुंखानुपुंख तदंत करी दोषी विरोध में कार्यानुष्ठान ग्रहण करने को दावी होई अभियोग अनुसार झारसुगुड़ा टाउन यूनिट 9 पंचपड़ा खाली थिबा सीलिंग बहिर्भूत जमीन में विजु एक्सप्रेस तैयारी होई सही अंचल में बसवास करुवा लोकों पर म्युनिसिपालिटी रास्ता तैयारी कर मात्र जमी उपर तैयारी होता विजु एक्सप्रेस वे समेत किसी प्लॉट को चंचकता कर बिक्री होइथवार अभियोग जमी दलाल तहसील कार्यालय को हाथ करी कागजपत्र जरिया मिसकेस 1/2024 अनुजाई गत 29/6/2024 शुभकेशी गंडा स्वामी तरणी गंडा ना खाता नंबर 861/53 रेकर्ड कर मात्र प्रकृत में तरणी गंडा नामक कौन व्यक्ति वर्तमान नहांती उभय शुभकेशी और तरणी दीर्घ दिन मृत्यु हो जाए प्रकृत में सिलिंग केस जाल बोली अभियोग जमीटा से जो थे कि म्युनिसिपालिटी रोड अच्छी आहाकि विजु एक्सप्रेस वे जो एसएच अच्छी से एसएच जो पाखापाखि 10-15-20 डिसमिल जहाँ भी अच्छी से भितर अंतर्भुक्त अच्छी तो से जो बिकिंट 1 acre 60 डिसमिल से जो जानकारी पालू ता एक जहाँ आम जिलापाल माननीय मुख्यमंत्री उद्देश्य जिलापाल को आम देचु से दाबीपत्र यार राजस्व मंत्री को गोटे दि जाइए यार गोटे कॉपी आउ यार तदंत होगापी यार ये एक्चुअली जमीटा एक्चुअली से गरीब लोक किपर भाव में नहीं जाइए सिलिंग जमी को किपर भाव में नहीं जाइए और आमर कहवा कथा सिलिंग जमी आप 10 वर्ष ना बिकी पारे जो 2024-22 यू से वीरेन्द्र खक्सेल नाँ करगला तापर के हटात 2 वर्ष भितर हटात सब जिन 12-15 दिन भर सब जिन मानने अचानक सब ना ट्रांसफर होगा बिकीदे सब सारीदे सिलिंग जमी जिते से गुड़ा तो बिक्री हो पार कथा नुहे 10 वर्ष पर्यटन सिलिंग पटा गुड़ा जब रेस्टी करा जहाँ शुणा जा विभाग अधिकारी सलाह सूत्र ये सब जिनस किसी जमी माफिया अच्छा निश्चित भाव इधरे किसी अफिसर भी अच्छा जहाँ जमापड़ी तेनालीटा हवा कथा ना जदि आप रेस्टी सिलिंग जमी की तक प्रॉपर लॉ प्रॉपर प्रोसीजर मेंटेन करके देखे करते झारसुगुड़ार जमी माफिया माने जमी हड़प योजना करी शुभकेशी गंडा स्वामी तरणी गंडा सरनेम को प्रथमे बदलाई जमी बिक्री करथिबार अभियोग होईछि जमी माफियां को प्रभाव एमिति जे जमी कागजपत्र प्रस्तुत हेबारो मात्र 12 दिन मध्ये जमी बिक्री हो जाइछि 29/6/2024 रे जमीटी शुभकेशी गंडा नाँ रेकर्डभुक्त होता बेले 18/7/2024 रे आदेश मते झारसुगुड़ा लहंडा बुड़र बालिबेशर नामक व्यक्ति नाँ पट्टा मध्ये प्रस्तुत होईछि देखुन इटा होउछि गोटे शिल्प बहुल जिला ये जमी तालिकार एवेन बहुत दिन जेन दिन शिल्प गढ़ी उठला से दिन जे मैंने कि दलालन जेन मैंने जमी माफियान जेन मैंने जमीर तर लोभ जमी उपर लोभ दृष्टि अच्छे से मैंने ये प्रकार काम करूँ इटा गोटे दुईटा नुहे शह शह बाहर जदि जिला प्रशासन भल भाव तदंत करेंगे ताकि भल कर पूजा जावा भल कर देखा जावा बोले ये गोटे दुईटा जमी केलींगी नुहे शह शह जमी केलींगी अच्छे इठने झारसुड़ा थी बोलिकी नहीं पूरा जिला सारे अच्छे इने तो कम अच्छे जेनटा के लोकलोचन के नहीं आसवा तदन तो किसी नहीं है सब बेन करवा जमी मालिक माफिया मैंने लगे भी बेन कम किपर हे बेन कम निश्चय अफिसर मान मैंने महल निश्चय से अच्छी मैंने से माफिया मैंने पाखक आसवा कथ मैंने तो नुह ये निश्चय अफिसर लोक मैंने अफिसर मैंने संपुक्त तदन सपुक्त अभियोग सब रजिस्ट्रार निर्देश में तहसीलदार को तदंत कर रिपोर्ट देवा कह तबे एने तहसीलदार को पचारिबारु तदंत चालुथवा कथा से कहिछन्ति तबे बिक्री होइथवाई जमी सरकारी ना घरोई जमी एहा सिलिंग बड़का जमी कि सिलिंग पट्टा प्रदान बेले रेकर्ड रूम रो जमानबंदी रजिस्टर संशोधन करा जाइछि ना नाही एमिति विभिन्न प्रसंग रे तदंत हेबा परे रिपोर्ट दाखल हेबा बोली सूचना मिलिछि एबडे तहसीलदार कहिछन्ति सेही जमी बिजु एक्सप्रेस हाईवे पई अधिग्रहण हेबार थिला हेले होइ नाही ते केस्ट एक्चुअली 41 यूनिट 9 रो तो आम पाखे भी गोटे आम शुणलु से विषय किसी आलोचना हो गणमाम मुझे ये कहना चाहे जो एक्चुअली विजु एक्सप्रेस हाईवे से लैंड एक्विजिशन होबार थिला किंतु होना कितना रही जमी से जमीटा आम पाखे सेमती किसी डॉक्यूमेंट्स ना जाए तो पट्टा से बेसिस लीज जमीटा थी
ଖାଲି ଭୁଲେକର ଅପଡ଼େଟ୍ ହୋଇନଥିଲା ସେଇଟା ଭୁଲେକର ଅପଡ଼େଟ୍ କରାହେଇଛି ସେଇଟା ତ କହିଲି କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏଇଟା ଭୁଲେକର ଅପଡ଼େଟ୍ ହୋଇଛି ଖାଲି ନୂଆ କିଛି ପରମିସନ କରାଯାଇନି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଜମି ମାଫିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି କି ଭିତରୀ ସଳାସୁତୁରା ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ଜମି ମାଫିଆମାନେ ଏତେ ସାହସ ପାଇବେ କେଉଁଠୁ ଏପରି ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଜୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକୃତ ତଦନ୍ତ ହୋଇ ଘଟଣାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଭାଗିରଥ ସାହୁ ଓ ଟିଭି।